আমি যে তোমার। नमस्कार दोस्तों, तो इंडियन सिनेमा के यंग और टैलेंटेड एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 अभी हाल ही में 20 मई को रिलीज की गई थी। ऐसे में दोस्तों फिल्म का आज फोर्थ डे है और फोर्थ डे दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शंस में अभी भी काफी अच्छा होल्ड हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर जहाँ फोर्थ डे मंडे को वर्किंग डे होने के चलते ज्यादातर फिल्मों के कलेक्शन डाउन हो जाते हैं, तो वहीं दोस्तों फिल्म भूल भुलैया 2 ने आज भी बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा होल्ड बना के रखा हुआ है और आज भी दोस्तों इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग थी वो काफी कमाल की देखने को मिल रही है। साथ ही फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी काफी अच्छी आज की दिखाई दे रही है। आप सभी को बताते चले दोस्तों की फिल्म भूल भुलैया 2 एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसमें की दोस्तों हमें कार्तिक आर्यन, कियारा आडवाणी, तब्बू, राजपाल यादव और संजय मिश्रा जैसे बेहतरीन कलाकार नजर आए हैं। फिल्म में दोस्तों कार्तिक आर्यन के काम की काफी ज्यादा तारीफ ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से की जा रही है और फिल्म को दोस्तों माउथ पब्लिसिटी का भी जमकर सहारा मिल रहा है, जिसके चलते दोस्तों 3200 स्क्रीन पर रिलीज हुई फिल्म अब देश भर में लगभग 4000 स्क्रीन पर चलाई जा रही है, जहां पे दोस्तों ये फिल्म काफी अच्छी कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे भी हासिल कर रही है। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के शुरुआती 4 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म ने दोस्तों अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पे 14,11,00,000 रुपए की एक शानदार ओपनिंग ली और साल 2022 की हाईएस्ट ओपनर, साथ ही साथ कार्तिक आर्यन के कैरियर की बिगेस्ट ओपनर फिल्म ये साबित हो चुकी थी। वहीं उसके बाद दोस्तों सेकंड डे फिल्म के कलेक्शंस में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली और फिल्म ने अपने दूसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पे कमाई की 18,34,00,000 रुपए। इस तरह से फिल्म का जो शुरुआती 2 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन था वो 32,45,00,000 रुपए का हो चुका था। उसके बाद दोस्तों बात की जाए थर्ड डे यानी कि संडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो संडे को दोस्तों इस फिल्म को देखने एक बार फिर से सिनेमाघरों के बाहर भीड़ उमड़ चुकी थी और लगभग सब जगहों पर दोस्तों इस फिल्म के जो शोज थे वो संडे के हाउसफुल नजर आए थे। फिल्म ने दोस्तों अपने थर्ड डे इंडियन बॉक्स ऑफिस पे लगभग 24,05,00,000 रुपए की कमाई हासिल की थी। इसी के साथ फिल्म का जो शुरुआती 3 दिनों का वीकेंड कलेक्शन इंडिया नेट रहा था वो हो चुका था 56,50,00,000 रुपए। बात की जाए फिल्म के फोर्थ डे यानी कि आज मंडे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो आज भी दोस्तों फिल्म को देखने ऑडियंस सिनेमा घर पहुंच रही है और आज दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे लगभग 11,50,00,000 रुपए की कमाई हासिल कर रही है। इसी के साथ फिल्म का जो अब शुरुआती 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन है वो हो चुका है 68,00,000 रुपए। वहीं फिल्म का जो शुरुआती 4 दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन है वो हो चुका है 80,00,000 रुपए। ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने कमाई की है 15,00,000 और इसी के साथ फिल्म भूल भुलैया 2 वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे अपने शुरुआती 4 दिनों में ही 95,00,000 रुपए की कमाई हासिल कर चुकी है और जल्दी दोस्तों ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पे ही 100,00,000 का आंकड़ा पार कर जाएगी। वैसे दोस्तों फिल्म भूल भुलैया 2 आपने अब तक देखी या नहीं, और यदि आपने देखी तो आपको फिल्म भूल भुलैया 2 कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ, कर दी चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को दबाना ना भूलें।